हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने कहा कि जिस तरह से उनके संघ और शाखा के चुने हुए प्रतिनिधियों को डराया धमकाया जा रहा है वो एक बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। अगर संघ के चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसे धमकाया जाएगा तो यह लोकतंत्र की गरिमा पर गहरा आघात है। संघ ने कहा कि पिछले कुछ समय से ही यह सब कुछ शुरू हुआ जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास बेवजह कारण बताओ नोटिस और चार्जशीट करने की बात तय की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि इस तरह के मामलों पर गहनता से निपटा जाए और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखा जाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ जो है वो इस बात की कड़ी निंदा करता है और इसको दुर्भाग्यशाली मानता है कि लोकतंत्र में कोई अफसरशाही जो है वो किसी एसोसिएशन या किसी संघ के चुने हुए प्रतिनिधि को जो है वो किसी न किसी रूप में धमका रहा है। और हमारे को इस बात का बहुत ही एक दुख कहे या सदमा कहे पहुंचा है कि इस तरह का कृत्य ये पहली बार हुआ है कि किसी पहली बार तो नहीं कह सकते पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे जो एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उनको लगातार शो कॉज नोटिस और इस तरह से बर्बली जो है धमकाया जा रहा है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस तरह की अफसरशाही को जो है वो लगाम कसे उस पर ताकि लोकतंत्र की जो गरिमा है उसको जो है वो मेंटेन किया जा सके।